जितने भी दोस्त कल यूपी पुलिस री एग्जाम में शामिल हो रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों आपको कुछ चीजों की बातों पे ध्यान देना होगा बिल्कुल ही, क्योंकि हम जब एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत तरह की चीजें होती हैं, उनसे हमें बचना होता है। तो किन चीजों से बचना है इस चीज पे हम बारे में बात करेंगे। चलो दोस्तों हमारा सबसे पहला है, अगर हमें बचना चाहिए तो किन चीजों से बचना चाहिए, चलो देखते हैं। सर पहले तनाव मुक्त टेंशन फ्री रहना है बिल्कुल, अपने आप को इस चीज को समझाना है। हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है तो हमारा एग्जाम बहुत ही बेहतर जाएगा। पेपर कैसा आएगा इसका चिंता बिल्कुल ही आपको नहीं करना है। पेपर जैसा भी आएगा सबके लिए वही पेपर होगा, आपके लिए कुछ स्पेशल पेपर नहीं आएगा जो कठिन होगा, ठीक है। चलो सर दूसरा गहरी नींद, आपको बहुत ही अच्छे से आज रात में सोना है, क्योंकि जब सोएंगे माइंड फ्रेश होगा तो हम एक अच्छा क्वेश्चन को पढ़ के अच्छा आंसर करेंगे, नहीं तो हम जल्दीबाजी में कुछ ना कुछ ऐसा गलती करेंगे जिससे क्या होगा कि हमारा एग्जाम नहीं हो पाएगा। इन चीजों पर ख्याल रखना है। सर तीसरा क्या, परीक्षा केंद्र पे आप समय से पहुंचे, परीक्षा केंद्र पे समय से पहुंचे। यदि जब एंट्री शुरुआत होता है तो एंट्री में आप सभी क्या करें, पहले एंट्री करेंगे। क्यों सर, पहले जाकर अपने सीट पे बैठ के थोड़ा सा अपने को रिलैक्स फील कराएंगे, थोड़ा सा अपने को क्या करेंगे पेशेंस फील कराएंगे, ठीक है। इन चीजों पे ध्यान रखना है। दोस्तों सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज ले जाए, जो भी दस्तावेज जो भी आप देखे हो, प्रवेश जो पत्र आपके जो मिलता है उसके अंदर जो निर्देश जो गाइडलाइन होता है उसको ध्यान से पढ़े, उन चीजों को अपने साथ में लेकर बिल्कुल जाएंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, कोई भी ऐसा आईडी नहीं छोड़ना है जिससे आपका एग्जाम से आपको बाहर कर दिया जाए या वहां पे लफड़ा ऐसा हो जाए। तो इन सारी चीजों पे आपको बिल्कुल ही ध्यान देना है, क्योंकि एक एग्जाम जब एग्जामिनर जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो इन चीजों पे बिल्कुल ही आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है सर। चलो सर हमारे तरफ से क्या गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड डू द बेस्ट।